अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं MS फिशिंग टीवी। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज भी दो दरिया का प्रोग्राम बना है और आज मैं सुबह ही सुबह आ गया हूं, आँख खुल गई थी जल्दी। और खड्डी झींगा भी निकाला है, थोड़ा केचुआ झींगा आटा वही सब चारा ले के आए हैं। ट्राई करते हैं क्या मिलता है, देखते हैं। ये लगा है आज का पहला शिकार का, और ये लगा भी उस पे खड्डी झींगे पे लगा। देखो माशाल्लाह से सरप्राइज वाले मारा मुश्का, माशाल्लाह माशाल्लाह के बाद लगाई है झींगे पे आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, साइज भी जबरदस्त है माशाल्लाह। आज एक दफ़ा फिर से घिसर का बच्चा आ गया, इसको अब निकालते हैं और वापस छोड़ दें। भाई अगर छोटा घिसर लगे तो उसको वापस ही छोड़ें, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। इसका सर निकालेंगे तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर जैसे कि एक पाव तक का भी अगर घिसा रहा था तो कोशिश करें उसको छोड़ दें। ये आया है काला दंदिया झींगे का, एक डोर मैंने करीब में फेंकी है, बिल्कुल ये पट्टी वजन पे उस पर आया है। झींगा जो है वो है बड़ा, तो उसको मैं इस तरह काट काट के लगा रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, 14 नंबर के कांटों में। इस पे भी सही आ रहा है, इस पे मुश्का भी ऐसे काट के लगे हुए, झींगे पे लगा ये दंदिया भी। केचुए पे तो अभी तक चाल नहीं हुई, झींगे पे एक दो दाने मारे हैं, अभी ट्राई करते हैं आटा, देखते हैं आटे पे क्या आता है। धोतर आया, ये भी आया झींगे पे, केचवा भी लगाया था झींगा भी, फिर भी झींगे पे आया, केचवे पे बिल्कुल भी चाल नहीं है। इसका निकाल लेते हैं, झींगा बचा हुआ। दोबारा से दोनों कांटों पे झींगा लगा रहे हैं। ये ताज़ा झींगा है और छोटा है, इसको लगाएंगे पूरा। ये बड़ा झींगा और ये पुराना है, इसको काट लेंगे थोड़ा सा। ये झींगा पुराना है इसलिए इसको साफ करके लगाएंगे, छिलका उतार के। क्या था का बच्चा, और ये आया आटे सफर नहीं है, वो वीडियो बना रहा है अंदर है, इसको खिला रहा है। आटे वाला कांटा खा लिया इसने, छोटा किसा आटा भी लेके घूम रहा हूँ। चाल तो हो रही है लेकिन सही हुक नहीं हो रही, छोटी छोटी मछलियाँ मार रही है ऐसा लग रहा है। और
आज वैसे शिकार कुछ खास हो नहीं रहा किसी का भी, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, खास मछली नहीं लग रही, दोतर लग रहे हैं ज़्यादातर। भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो इस वजह से मैं आ गया हूँ यहाँ रूम के अंदर। रूम के अंदर खड़े होकर यहाँ से डोर डालेंगे। और जहाँ तक शिकार की बात की जाए अभी तक तो कोई खास शिकार नहीं हुआ और चाल अभी बिल्कुल भी बंद हो गई है। पहले सुबह झींगे पे कुछ भी लग रही थी मछलियाँ, मतलब दोतर लग रहे थे या मुश्किल लग रहे थे, कंदिए भी लगे दो तीन, इसके अलावा मुझे एक ही लगा, ऐसा नहीं है कि दो तीन मुझे ही लग गया, मुझे एक ही कंदिया लगा, बाकी लोगों को लगे दो तीन कंदिया। इसके अलावा दोतर और मुश्किल लगे और चारा जो है वो झींगा चला है, अभी खाली आटे पे चाल हो रही है, इसके अलावा चाल किसी चीज़ पे नहीं हो रही। तो धूप भी बढ़ गई है, मैं रूम के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। जी तो भाइयों वीडियो आप लोगों ने देखी, आज शिकार तो कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ चार मछलियाँ पकड़ी थी मैंने, उनमें दो मुश्के, एक काला दंडिया और एक तोता था, वो तो मैंने साफ करके कूलर में डाल दी। तो फ्राई का इंतज़ाम तो हो गया लेकिन शिकार कुछ खास नहीं हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ वापस, इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।